नमस्कार, 30:30 और CCL की तरफ से आपको दिवाली और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम इन 20 दिनों में हर दिन आपके साथ ये 20 तरीके के नायाब लैंप आपके साथ बनाने का तरीका और इनके पीछे की बहुत ही सुंदर गणित आपके साथ शेयर करेंगे। और आशा करते हैं कि आप भी दिवाली तक, जैसे हमारी लैब इन 20 लैंप से जगमगा उठी है, तो उम्मीद है कि आपका घर भी दिवाली तक इन 20 लैंप से जगमगा उठेगा। तो आज के शुरुआती श्रृंखला में हम ये सबसे सरल लैंप से करेंगे, जिसका नाम है टेट्राहेड्रन। कागज से बनने के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उससे आप इसके PDF को डाउनलोड कर लें और एक चार्ट पेपर पे चिपका के उसको काट लें। टेट्राहेड्रन दुनिया का सबसे सरल 3D स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये सबसे सरल पॉलीगन से बना है, जो कि एक ट्रायंगल है और चार ट्रायंगल्स को जोड़कर बना है। किसी भी 3D क्लोज 3D स्ट्रक्चर को बनाने के लिए किसी भी पॉइंट पर मिनिमम 3 पॉलीगन्स चाहिए, और सबसे सरल 3 पॉलीगन्स यहाँ पर अगर हमने जोड़े, देखिए हर पॉइंट पर 3 ट्राइंगल्स जुड़ रहे हैं, टोटल 4 ट्राइंगल्स हैं। दैट्स वाई दिस इज द सिंपलेस्ट 3D स्ट्रक्चर और पॉलीहेड्रा दैट एग्जिस्ट इन नेचर। 4 वर्टिसेस हैं, 4 पॉइंट्स हैं, 4 ही फेसेस हैं और 6 साइड्स हैं। उंगली से बनाए तो कुछ ऐसे बनता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हाइड्रोकार्बन्स हैं, उसमें एल्केन्स जो है CH4, वो भी बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर पर आधारित है। अगर इस टेट्राहेड्रन के सेंटर में कार्बन को मान ले तो हाइड्रोजन बिल्कुल चारों कोनों पर आएगा और उसका जो एंगल होगा, जो अंश, वो 109.29 अंश का आता है। दिस इज द एग्जैक्ट एंगल दैट गेट्स फॉर्म्ड इन द टेट्राहेड्रन। और इसकी एक और खास बात यह है, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में उसका सेंटर पॉइंट उसकी हाइट को 2:1 में बांटता है, लेकिन एक टेट्राहेड्रन में उसका सेंटर पॉइंट उसकी हाइट को 3:1 में बांटता है। बहुत ही सुंदर प्रयोग है। और आगे कल आप देखेंगे, जो हम नया स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे, उसमें आप ये भी पाएंगे कि ये जो टेट्राहेड्रन है, इसका वॉल्यूम, ये इसको हम ट्रायंगुलर पिरामिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि पिरामिड की शेप का ही है। और कल हम देखेंगे जो इजिप्ट में बने थे वो स्क्वायर पिरामिड है, वो इसके एग्जैक्टली डबल है। तो आइए यही इसी तरह के टेट्राहेड्रल लैंप्स बनाकर हम अपने घरों को उसी तरह जगमगाएं जिस तरह से हमारी CCL लैब जगमगा उठी है।